नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पुलिस और गाजियाबाद प्रशासन की टीम ने छापा मारा है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र स्थित एंजल मॉल में नो रूल्स रेस्टोरेंट संचालित था। गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापा मारा। छापे में रेस्टोरेंट से बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। एंजल मॉल में नो रूल्स नाम से रेस्टोरेंट चल रहा था, जिसमें सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाकर युवक और युवती हुक्का और शराब का सेवन कर रहे थे। एंजल मॉल के रेस्टोरेंट पर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर छापा मारकर सभी को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद सभी से पूछताछ करी जा रही है। थाना कौशाम्बी स्थित एंजल मॉल में एक बार कम रेस्टोरेंट है, जिसका नाम नो रूल्स करके है। वहाँ पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है। इसमें पाया गया कि जो इस रेस्टोरेंट में जो लोग थे वो लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे थे। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म थे उसका पालन नहीं किया जा रहा था। करीबन 40-50 की संख्या से ऊपर लोग उस एक रेस्टोरेंट में एकत्रित थे और वहाँ अवैध रूप से जो हुक्का है उसको भी सर्व किया जा रहा था और साथ ही साथ दारू भी दी जा रही थी। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने वहाँ पे कार्रवाई करी है और उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इसमें जो भी उचित सेक्शन हमारे एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट या IPC के बनते हैं उसके तहत इसमें मुकदमा लिख करके आगे की कार्रवाई करी जा रही है।